अरे डॉक्टर साहब, आप किशन जी, वो डॉक्टर साहब तो मेरे छोटे भाई है, और उन्होंने मुझे फोन करके बताया कि हम आने वाले हैं। इसका मतलब कि दोनों जुड़ा भाई। अरे क्या करें पिताजी, सब आइए आइए। वो छोटे और मैं बड़ा हूँ, लेकिन वो अपने आप को बड़ा समझता है। अब आप ये बताइए, इतनी डिस्पेंसरी बनी है कि आपका होटल तो बहुत बड़ा है, तो काम बड़ा होगा। मैं वो आप बड़े हो गए, सही पहचान आपने। क्या बोला आपने? नहीं नहीं कुछ नहीं, काम कीजिए, हमारा सामान और हमारे वाइफ को रूम में ले जाएंगे। हेलो सनी, कैसा है तू? कहिए क्यों फोन किया आपने? अरे इतना उबली होगी क्यों बात कर रहे हैं? जिस हालत में आप छोड़ के गए थे, ऐसा लग रहा है कि मैंने शादी नहीं की, कोई जग रह रही हो। अरे तो क्या हो गया? लेकिन तेरी शादी तो नहीं रुकी ना, देखा कैसे हार्ट अटैक का झूठा नाटक किया तूने। भाई साहब, आपको नहीं लगता कि अब आपसे झूठ बोलने लगे हो? बी पॉजिटिव यश, कहते हैं कि एक शादी कराने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ेंगे ना, तो भी ऊपर वाला माफ कर देता है। 100 माफ करता होगा, 1000 नहीं। वाह, तुझे परेशानी ना हो, इसलिए मैं तेरी भाभी को लेकर मॉरिशस चले आया। और तू इतना रोता उबली उबली होकर बात करे, क्या कहा आपने? कहाँ चले आप? मॉरिशस। वेलकम, मैं भी यही आया हूँ। क्या बात कर रहे हो तू? किस होटल में ठहरा है? वो तो मैं आपको कभी नहीं बताऊंगा, पता चला कि आप यहाँ पे मेरी बीवी। अबे सनी, पूरी दुनिया में तुझे यही शहर यही होटल रहता था हनीमून मनाने के लिए। आप बताकर आए थे कि आप इसी शहर में इसी होटल में ठहरने वाले हैं। देख सनी, इससे पहले कि हमारी बीवी यहाँ एक दूसरे को दिख ले, तू संजना को लेकर यहाँ से निकल प्लीज। यही डायलॉग तो मैं आपको भी बोल सकता हूँ। अरे काजल के हिसाब से तो मैं हार्ट पेशेंट हूँ, यहाँ से मैं वहां नहीं घूम सकता हूँ, इसका मतलब कि मैं क्यों शक करूँ? और संजना को मुझे तो कुछ बोलना ही नहीं पड़ेगा। देखिए भाई साहब, ये आपका दूसरा हनीमून है मगर मेरा पहला, कुछ तो रहा करो मुझ पर। सॉरी चिल्लाओ मत, यही है तेरा कोटेश, तेरी भाभी बारे जगी। वेरी गुड, ये मेरा है। सनी सनी, अरे भाई साहब आप इधर, व्हाट ए सरप्राइज, आप भाभी को भी साथ ले आए? कुछ नहीं, वो उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए इसलिए उसे घर ही छोड़ा मैंने। सर, मैं आपका सामान आ रहा हूँ कि बीवी को दोनों कमरे में बचा कर आया हूँ। भाई साहब, आपने झूठ क्यों कहा कि हमने भाभी को साथ क्यों नहीं लाए? वो मैं शरण की वजह से संजना, तो चाहती हो ना कि भाभी की दिमाग की भी हालत ठीक नहीं है। इसका मतलब एक पागल के साथ मैं अकेले कमरे में चला गया। मैं आपकी तकलीफ समझ सकती हूँ। देखिए कमरे से निकल कर अब वो कहाँ पहुंच गई है? ये यहाँ कैसे पहुंच गई सनी? सर वो आपकी बीवी है, अभी अभी कमरे में छोड़ कर आया था ना, इतनी जल्दी मर गया? लेकिन आपने कमरे में तो जुबान लगा था। लेकिन सर जिसको कमरे में छोड़ कर आया था, चलो निकलो यहां से निकलो, अजीब बना कर आदमी है। सुनिए आप कौन है? कौन है मतलब? नहीं आप दोनों हैं कौन? ये मेरी पत्नी है रिलायंस की कसम, और मैं आपका पति हूँ। तो फिर वो कौन है जो आपको इनका पति बता रहा था? कौन वो? अरे यार, ओफो, तो पूरी टोली मौजूद है। कैसी हो संजना? ठीक हो? मेरे प्यारे देवर जी के साथ हनीमून मनाने आई हो? भाभी आप अपने भाई को याद है? अरे क्यों आए तुम मेरे पीछे पीछे? अरे जीजा जी, अभी नहीं तो कहा था दीदी का ख्याल रखने को, इंडिया में कहा था। क्या मैं खुद रख सकता हूँ अपनी बीवी का ख्याल? अरे आप आ गए संजना, चलो अपने कमरे में। तुम यहाँ क्यों खड़े हो? तुम भी भागो यहाँ से। अरे बॉबी, अरे तुम लोग भी आए हो, कहाँ भाग रहे हो? सनी कहाँ है? क्या हुआ, इतनी जल्दी क्यों लाया मुझे अपने कमरे में? बॉबी नो, अभी नहीं। ये कौन है? मैं इनका भाई हूं। अच्छा तो तुम हो उसके भाई? काजल, मेरी सनी का खून करोगे? अपने आप को दादा और बाबा गुंडा समझते हो? अरे इससे पहले तो मैं तेरी जान ले लूंगी। काजल ये भाई नहीं है, ये भाई का आदमी है जो अपने भाई से बचाने के लिए बॉबी का बॉडीगार्ड बन गया। जाओ बॉबी को लेकर घर जाओ। सनी उठो, सीधी खड़े रहो। तो उसकी कमरे में क्या कर रहे थे? मैं भाभी, मैं इसे ढूंढते ढूंढते गलती से उस कमरे में चला गया था, और मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ, तुम भी ना।
अरे तू दोनों अलग क्यों हो गए हो? अपना हनीमून मनाने आए हो, साथ में मिलकर एंजॉय कर लो ना। ये तो मैं हमेशा से कह रही हूँ, सुनती क्यों नहीं मेरी बात? तुम उसके साथ एंजॉय करोगी, पति है मेरे। जीजा जी, चश्मा क्या तेरा? कितनी बार का चश्मा पहनेगा? वो है तेरी जीजा जी, वो मैं हूँ मैं। ये सब क्या हो रहा है? मैं परेशान रहती हूँ। अब या भाई अपने कलर में जाते, फ्रेश होकर फिर मिलते शाम, फ्रेश होकर मिलते। अरे लेकिन मैं कहाँ जाऊँ अपने जीजा जी के साथ? और कहाँ चलो कर चल। गले नहीं तुम्हारा। कौन किसका पति है, कौन किसकी पत्नी है, ये मुझे मालूम करना ही पड़ेगा।